नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी है जिसका हल करके आप तंग आ गए हैं, लेकिन आपकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है? कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान कर आप परेशान हो गए हैं, आपकी समस्या कम होने की बजाय इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो नासूर बन गई है, अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन आपकी हर समस्या का, आपके हर नासूर का इलाज आज मेरे पास है। जी हाँ, इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखते हैं तो आपको इस वीडियो में आज आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। अगर आप इस विधि को सही तरीके से करते हैं, जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को सही तरीके से अपनाते हैं, तो आपकी जो समस्या है, आपका जो नासूर है, वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा और जिंदगी में कभी भी दोबारा मुड़ कर आपकी तरफ नहीं देखेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो इस विधि को, इस उपाय को जरूर अपनाइएगा। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा अचूक और प्रचंड उपाय जिसमें आपको कोई सामग्री नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति की फोटो चाहिए जिससे आप अपने वश में करना चाहते हैं, कोई कार्य कराना चाहते हैं, आपका प्रेमी प्रेमिका है जो आपसे दूर चले गए हैं, आपका पति है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है या आपकी बहू है जो आपकी बात सुनकर राजी नहीं होती, तो आप उसकी फोटो से, सिर्फ और सिर्फ उसकी फोटो से पूर्ण रूप से उसको अपने वश में कर सकते हैं, और इस तरह वश में कर सकते हैं कि वो सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके होकर रहेंगे, सिर्फ आपकी बात सुनेंगे, जैसा आप कहेंगे आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे, जी के अलावा आपसे कुछ और नहीं कहेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसा तो आज का उपाय आपके ही लिए है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको इस विधि को पूर्ण करना है। मात्र 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपकी विधि पूर्ण होते ही आपका प्यार, आपका अपना कोई जो आपसे रूठ गया है, आपसे दूर चला गया है, जिसके वजह से आपके जीवन से खुशियां दूर चली गई हैं, वो लौट आएगा, आपकी खुशियां लौट आएंगी। तो आइए आप, मैं बताती हूँ आपको कि आपको करना क्या है। तो आपको उस व्यक्ति की फोटो लेनी है जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। इस तरीके से आपको उस व्यक्ति की फोटो लेनी है जिसे आप प्रेम करते हैं, वश में करना चाहते हैं, और इस फोटो को लेकर आपको अपने पास के शमशान में जाना है। ध्यान रखिएगा, शमशान में जाना है। घबराइएगा मत, कुछ भी गलत आपके साथ नहीं होगा, बस आपको ये विधि करने वहां जाना है। बस सही तरीके से जाइएगा, इस विधि को अंजाम दीजिएगा और अपना कार्य पूर्ण कीजिएगा। रात के समय आपको अपने प्रेमी प्रेमिका की फोटो लेनी है, जिसे वश में करना है उसकी फोटो लेनी है, और आपको शमशान में जाना है। वहां आप जब ये फोटो लेकर जाएंगे तो एक जगह पर बैठ जाइएगा जहां आपको कोई देखे ना। ध्यान रहे इस बात का, खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वहां आपको कोई भी ना देखे। इस फोटो को ले जाकर आप बैठ जाइएगा और वहां जाकर आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है। जी हाँ, उस व्यक्ति का इस हद तक ध्यान कीजिएगा कि उसकी तस्वीर आपकी आंखों में उतर आए। जब आप आंखें बंद करें मंत्र उच्चारण करने के लिए, तो उसका चेहरा हूबहू जैसा है वो आपकी आंखों के सामने। अगर ऐसा होता है तो ये विधि इतनी प्रचंड हो जाएगी कि 24 घंटे का समय भी मैं आपको बहुत ज्यादा बता रही हूँ, सिर्फ चंद घंटों में ही ये विधि अपना असर दिखा देगी। जी हाँ, तो ये फोटो ले जाकर आपको शमशान में जाके इस तरीके से उस व्यक्ति का ध्यान करना है और मंत्र का उच्चारण करना है। 51 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और इस और फोटो को 1 फुट नीचे, 1 फुट गहरे गड्ढे के अंदर आपको इसे दबा देना है। जी हाँ, फिर क्या, जैसे ही इस फोटो को दबाकर आप घर आएंगे, 24 घंटे के भीतर आपको इसका असर दिख जाएगा। वो व्यक्ति जिस पे आपने वशीकरण किया है, वो व्यक्ति आपका हो जाएगा। आइए अब मैं आपको वो अचूक, वो प्रचंड, वो सिद्ध मंत्र बताती हूँ जिसका उपयोग आपको 51 बार करना है, और वो मंत्र है ओम अमूक वश्यम करु करु स्वाहा। ओम अमूक वश्यम करु करु स्वाहा। दोस्तों, ये अचूक विधि और ये प्रचंड सिद्ध मंत्र अगर आपने सही तरीके से प्रयोग कर लिया तो इसके बाद आपको सारी जिंदगी कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जिसको आपको आवश्यकता पड़े कि ये विधि काम नहीं कर रही है, अब हमें किसी और विधि को अपनाना है, ऐसा कभी नहीं होगा।
तो सही तरीके से विधि को अपनाइएगा और सही मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। जो उच्चारण है इस बात पर खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि शब्दों का उच्चारण, मंत्र में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन शब्दों का उच्चारण बहुत सही तरीके से आपको करना है। सही तरीके से मंत्र उच्चारण कीजिए, विधि का प्रयोग कीजिए, आपका हर कार्य सिद्ध होगा। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जो सिद्ध ना हो इस विधि से, क्योंकि ये बहुत ही सरल और प्रचंड विधि है। और कोई कार्य है आपका जो आपसे हल नहीं हो रहा है, जिसका सोच सोच कर आप परेशान हो रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरुजी को फोन करें, उनसे बात करें और अपनी समस्या का समाधान लें। और दोस्तों एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी गलत मंशा से कोई कार्य मत कीजिएगा, क्योंकि गलत मंशा से किया गया कार्य कभी भी सही नहीं होता, ना हमारे लिए ना जिस पर आप ये विधि कर रहे हैं उसके लिए। फिर आप कहेंगे ये विधि कारगर नहीं है। कारगर कैसे होगी जब आपकी मंशा ही खराब है, जब आपकी मंशा ही गलत है। तो गलत मंशा से ये कार्य कभी मत कीजिएगा। साफ मन, सच्चे दिल और सच्ची भावना के साथ जब आप इस कार्य को करेंगे तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कार्य करने से आपको रोक सके, ना ही आपके कार्य में कोई बाधा आएगी और ना ही आपका कार्य असफल होगा। तो कार्य को सही तरीके से कीजिए और कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरुजी को फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए और अपनी हर समस्या का समाधान लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।